सपनों को पंख लगे हैं, पीढ़ियों का की प्रतीक्षा सार्थक हुई है, साकार हुई है। 500 साल का तो हमने इतिहास पढ़ा है, वर्तमान हमने 1992 से अब तक का देखा है। हमारे साथ साध्वी रितंबरा जी हैं, जिन्होंने हर नागरिक का, हर कार सेवक का कुछ ना कुछ योगदान है। तो इसमें एक योगदान ये गिलहरी का योगदान सबसे बढ़िया, आप कहती हो आप गिलहरी का योगदान है। गिलहरी ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम जोड़ने वालों में होगा, तोड़ने वालों में नहीं, इसलिए मैं रेत भर रही हूँ। हाँ, कितना सुंदर कहा आपने, तो स्वयं ही इतना सुंदर कह दिया। और ये जो जोड़ना है ये सनातनियों का स्वभाव है, तुम तोड़ो हम जोड़ते हैं। हम विध्वंसों की राजनीति नहीं करते, विध्वंस विचार में नहीं है, सृजन ही सृजन है। और आप सोचो मेरे पुरखों ने कितना कष्ट झेला, 500 साल लगातार इस अयोध्या में उस जर्जर ढांचा, उस जगह की परिक्रमा करता रहा समाज। आप अगर ब्रिटिशों के जमाने का ये फैजाबाद की अदालत का फलसफा उठा के देख लो, वो सब कहानी कह रहा है। इतने लाखों भक्त आते थे रामनवमी पे कि वो जमीन धस गई, श्रद्धा ऐसी प्रबल थी कि अगर नहीं है भव्य मंदिर पर वो भूमि हमारे लिए आराध्य है जहां प्रभु ने जन्म लिया। आप इस सच को कब तक झुठलाओगे? बहुत कोशिशें हुई, उत्पीड़न हुआ, प्रताड़ना हुई, उपेक्षा हुई, अपमान हुआ, और सब के बीच में से हम लोग निखर कर आए। जैसे सूरज ग्रहण के बाद निखर कर प्रकट होता है ना, ऐसा ही दृश्य है। उसी जन्मभूमि ने भगवान राम लला का टाट से ठाट तक का सफर देखा। बिल्कुल, हमें देख लीजिए ऐसा है कि टाट में कैसे रह सकते थे वो। हम भारतीय थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं तो अपने बाथरूम में भी लाखों रुपया लगा देते हैं। आप सोचो हमारे आराध्य जिस दशा में, जिस अवस्था में थे, कितनी पीड़ा। मैं सिर्फ एक दो बार आई हूँ भैया, आई नहीं मैं। मैंने कहा राम जी मैं आपको ऐसा नहीं देख सकती, जब भव्य मंदिर बन जाएगा तब मैं आपका दर्शन करूंगी, क्योंकि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी दशा में हम अपने आराध्य को देखें। लेकिन वो सारे थे, वो आपको पता है मंथन अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, और नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। समाज ने मंथन की कीमत भरी, जहर पिए। आज अमृत वेला है, मेरे प्रभु आ रहे हैं, आनंद ही आनंद है। जिसके लिए प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो उसमें एक तो भगवान राम की जन्मभूमि है और दूसरा ये सरयू की पावन धारा है, जिसमें भगवान राम ने खुद कहा कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। यानी भगवान राम का अभी जो प्राण प्रतिष्ठा का अभिषेक भी सरयू की जलधारा से होता है, और भगवान राम ने अपना मोक्ष कहें या अपना तिरोभाव भी सरयू की धारा में किया, उसमें समा गए, और उन्होंने कहा कि ये सरयू की धारा ही, मैं भी अब सरयू की तरह। अभी आप तो मालूम है आपको कि सरयू साक्षी है, ये भूमि साक्षी है। अयोध्या का उत्कर्ष इतना बड़ा रहा कि अयोध्या हमेशा लोगों की ईर्ष्या का केंद्र रही। इसका वैभव इतना बड़ा था कि देवताओं को भी लगता था कि थोड़ी देर रुकना है यहाँ, ऐसा वैभव। और उस वैभव के बाद फिर अयोध्या ने प्रभु का वनवास भी देखा, अयोध्या वियोग में रोई, अयोध्या में मंगल कार्य नहीं हुए, कोई विवाह नहीं हुआ, किसी ने बालक को जन्म नहीं दिया, पूरी अयोध्या उदास, सूनी, विधवा जैसी 14 साल। और आप जानते हो भैया के हम सनातनी शैशव में गिन सिंहों के दांत अनेकों बार हंसे, हम यौवन में शूर्प नखाओं उर्वशियों में नहीं फंसे। क्या बात, हम आचार्यवर वशिष्ठ के चेले नहीं राज्य पे मरते हैं, अग्रज कीले चरण पादुका 14 वर्ष गुजरते हैं। ये हमारा इतिहास। एक भाई नंदी गांव का सन्यासी हो गया, तपस्वी हो गया, दूसरे ने कहा मैं तो छाया की तरह आपके साथ रहूंगा, शत्रुघ्न की पीड़ा तो कोई बता ही नहीं सकता, इनकी पत्नियों की पीड़ा मैं कैसे बताऊं, उर्मिला उसका वियोग, उसके आंसू, उसका हृदय,
कैसा रहा होगा, कल्पना कीजिए। एक एक पात्र का चिंतन करो आप तो त्याग, तपस्या, प्रतीक्षा, बलिदान, अर्पण, समर्पण, यही तो कहानी है। अयोध्या प्रभु वापिस आए अपनों को लेकर। अपने कौन थे? क्या रक्त के रिश्ते थे? कोल थे, बील थे, भानर थे, रिक्ष थे, उपेक्षित थे, परित्यक्त थे। उन्होंने गले लगाया, कहा छोड़ो जड़ता, चैतन्यता अपनाओ, एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाओ। ये करके लौटे, गए तीन थे, लाखों लाखों लौटे, इतनी सामर्थ्य उनमें थी, उनके नाम में भी है। उसके बाद क्या हुआ इस देश के अंदर 500 साल पहले, 495-98 साल कितने हो गए, क्या हुआ इस अयोध्या ने जो उपेक्षा झेली है। हम देखते थे लखनऊ का वैभव भैया, और अयोध्या की उपेक्षा, दिल रोता था। और जब अंदर से दर्द आता है ना, वो दूर तक असर करता है। ये इसीलिए लोगों ने कहा ना, शिखर नहीं बना अभी। अरे हमने कहा शिखर तो हमारा शिखर, शिखर जो तप है हमारा, और ये जो ये मेरा मतलब मैं हमारा कह रही हूँ, मैं रितंभरा नहीं है इसमें, ये सनातन जगत है। मैं तो सनातन की वाणी हूँ, मैं सनातन का दर्द हूँ। ये जो कलश है, ये श्रम है हमारा। ये जो पग पात होता है ना भैया, पगडंडी, वो हमने अपने बलिदान से बनाई है। और ये मंदिरों की दीवार पत्थरों की नहीं है, ये मेरे धर्म का अभिमान है। और ये जो मंडप है ना, ये मंडप मेरे सपने हैं, सपनों की साकारता है। और ये जो स्तंभ है ना, ये हमारी प्रतीक्षा है। और ये जो गर्भगृह है, ये सदियों की व्याकुल प्रतीक्षा है। शिखर बनेगा, कलश और ध्वज भी चढ़ेंगे, अंतर मंदिर पूर्ण है, बाहर भी पूर्ण होगा, और धर्म द्वेषियों का घमंड अंड अब चूरण हो। यानी अब चीजें बदल गई हैं। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी। ये अब तक सिर्फ पढ़ते थे, आज अयोध्या वासियों, देशवासियों और पूरे विश्ववासियों ने ये देख लिया कि भई सकल सौभाग्य खाने का मतलब क्या है। ये मतलब ऐसा ही है जो हमारे कैमरामैन प्रेमचंद दिखा रहे हैं, यानी कैमरामैन प्रेमचंद के साथ संजय शर्मा, श्री अयोध्या जी आज तक।